ग्वालियर जिले में लोकसभा के तीसरे चरण यानी 7 मई को होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इसी के चलते जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस की सील को खुलवाकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों को कहा कि जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग ने आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए 21 का डेट फाइनलाइज किया था फर्स्ट रैंडमाइजेशन के लिए। तो हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में आज हमने ईएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से मशीन्स को अपनी अपनी विधानसभा अलॉट कर दी है। इसमें एक 20% का रिजर्व होता है हमारी बीयूसीयू के लिए और 30% का रिजर्व होता है वीवीपैट के लिए। तो वो कार्रवाई आज हो गई है।